Hi, all my beautiful souls, all my beautiful kings and queens. Good afternoon. और आज की जो वीडियो है वो इजिप्शियन हेरोग्लिफ्स के रीडिंग है. दिस इज एन एंशियंट इजिप्शियन टेक्निक जो बेसिकली पिरामिड में ये लैंग्वेज रिटन होते थे और इस तरीका से एक पिरामिड रीडिंग भी बोल सकते हो. इजिप्शियन पिरामिड रीडिंग, इजिप्शियन टेक्निक. ये अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो बहुत लंबे टाइम है. इजिप्शियन गॉड एंड गॉडेस को समनिंग किया जाता है, बुलाया जाता है और हेरोग्लिफ्स रीडिंग किया जाता है. इजिप्शियन हेरोग्लिफ्स इजिप्शियन एंशियंट टेक्निक्स है और इजिप्शियन हेरोग्लिफ्स इज द इजिप्शियन लैंग्वेज. बहुत ओल्ड लैंग्वेज है जिसके द्वारा मंत्र वगैरह पढ़ा जाते हैं और उसके बाद रीडिंग किया जाते हैं. उनके गॉड एंड गॉडेस के द्वारा कनेक्शन बना के रीडिंग किया जाता है. तो दिस इज एन ओल्डेस्ट इजिप्शियन टेक्निक. और सब्जेक्ट है, क्या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के असर है कि नहीं, क्या आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी के असर है कि नहीं, क्या आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं, ये है सब्जेक्ट. तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी स्पेल वुडू ये आपके ऊपर हुआ है कि नहीं, इसके रिगार्डिंग ये रीडिंग है. इजिप्शियन हेरोग्लिफ्स की रीडिंग करेंगे. कार्ड्स भी यहाँ पर अलग होती है, ये कार्ड्स है उनके, तो मैं इसी कार्ड्स के साथ रीडिंग करूंगी. दिस आर चार्ज कार्ड. तो आपके पास ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे. उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें. इस चैनल को सपोर्ट करें क्योंकि इस चैनल में मैं नया नया तरीका लेके आती हूँ और ये नए नए तरीका से आपके रीडिंग करती हूँ. यहाँ पर जो रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग भी पर्सनल रीडिंग के जैसा ही होती है. आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, जनरल रीडिंग पर्सनल रीडिंग से कुछ कम नहीं होती है. उसके ऊपर बेस करके भी आप डिसीजन ले सकते हो क्योंकि काफी ज्यादा एक्यूरेट होती है कई लोगों के लिए, 90% 80% लोगों के लिए. और इसके सिवा भी मैं बोलूंगी कि अगर पर्सनल रीडिंग करा सकते हो तो कर लेना चाहिए क्योंकि उससे भी आपको एक्यूरेसी के साथ बहुत अच्छे से आंसर मिल जाती है. और उसके साथ यहाँ पर हर तरीका के रीडिंग, रूल्स रीडिंग, इसके साथ जेमस्टोन्स रीडिंग, हर तरीका के रीडिंग आपको मिलते हैं. और इसी चैनल में आपको सोल्यूशन भी मिलते हैं, हीलिंग भी मिलते हैं, स्विच वर्ड्स भी मिलते हैं, बाकी मैनिफेस्टेशन के टेक्निक भी मिलते हैं. वीकली हॉरोस्कोप रीडिंग होती है, मतलब जोडियक साइन के राशिफल के रीडिंग होती है. इसके साथ आपके मंथली होती है. तो आपको हर तरीका के रीडिंग यहाँ पर मिल सकते हैं. यहाँ पर तीन ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन को मैं अच्छे से दिखा देती हूँ. ये पिरामिड है, ये है ब्रेसलेट और ये है हार्ट. ठीक है, पिरामिड, हार्ट एंड ब्रेसलेट, ये तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप चॉइस करो. जो भी ऑप्शन आप चॉइस कर रहे हो वो ही आज के आपके पिका कार्ड रीडिंग है. ठीक है, ब्रेसलेट, पिरामिड, पिरामिड ब्रेसलेट एंड हार्ट. तो तीनों को किसी भी ऑर्डर में आप चॉइस कर सकते हो. क्विकली चॉइस कर लो और आपके पास है 20 सेकेंड्स और उसके बाद क्विकली शुरू करेंगे रीडिंग. तीनों ऑप्शन एक एक के बाद तीनों ऑप्शन के रीडिंग करेंगे. शुरू करते हैं रीडिंग. जिन्होंने चॉइस करा था पिरामिड उनके रीडिंग से शुरू करेंगे. पिरामिड चॉइस करे हो तो उनके रीडिंग से शुरू करते हैं. पिरामिड को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक का कहां किसने किया है. ये हो रही है आपके इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स की रीडिंग. इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ. ये इजिप्शियन एंशियंट इजिप्शियन लोगों का टेक्निक था. इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स के जो है टेक्निक है वो एंशियंट इजिप्शियन लोगों के टेक्निक है. एंड तब तक मैं पूरा कार्ड को भी ब्रांच आउट करती हूँ. मैं रेगुलर यूज करती हूँ तो काफी ऐसे जबल्स होके रखा है.
इजिप्शियन हेरोग्लिफिक्स जो है पिरामिड में जो लैंग्वेज है एंशियंट लैंग्वेज वो इजिप्शियन हेरोग्लिफिक्स की लैंग्वेज है. तो लोग जो है इजिप्शियन हेरोग्लिफिक्स के हेरोग्लिफिक्स में कई सारे अपने गॉड्स को इजिप्शियन गॉड गॉडेस को सम्मनिंग कैसे किया जाता है, उनको बुलाया कैसे जाता है और उनके थ्रू गाइडेंस कैसे लिया जाता है, ये सब कुछ लिखा हुआ है. तो मैंने बाकायदा इसमें सर्टिफिकेशन करा है एंड आई एम सर्टिफाइड फ्रॉम कायरो स्पिरिचुअल सेंटर. प्रॉपरली मुझे इजिप्शियन हेरोग्लिफिक्स के बेसिक वगैरह पढ़ना भी आती है एंड उसके साथ ये सामनिंग कैसे करना होती है एंड कैसे रीडिंग करना होता है ये सब कुछ आते हैं. तो ये जो है ये स्पेशल कार्ड्स है, हम मतलब आप देख सकते हो कि हैंडमेड कार्ड्स है, ये कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगे एंड इसे मैं यूज़ करती हूँ बिकॉज ये इसी तरीके से सामनिंग के बाद चार्ज है. तो इजिप्शियन हेरोग्लिफिक्स की रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किसने किया. ऑलमोस्ट 3 to 4 years पहले या 5 years पहले, 4 to 5 years पहले आप किसी ऐसे इंसान के पास गए थे जिससे आपको एक्सपेक्टेड था कि आपको काफी अच्छा मतलब सोल्यूशन मिल जाएगी और आपको सोल्यूशन नहीं मिला, उल्टा वहाँ से आपको ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी, हो सकते उस पर्सन के पास वो नेगेटिव एनर्जी था या उन्होंने आपको जानबूझ के वो नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफ़र किया क्योंकि आपको वो अपने क्लाइंट बनाना चाहता था, परमानेंट क्लाइंट. तो उस तरीका के नेगेटिव एनर्जी आपके पास आया है एंड इसे आपको बेसिकली कट ऑफ करना है, तब भी जाके आप जो है आप अपने लाइफ में बहुत ऊपर चढ़ पाओगे. स्पेशली आपके मैरिज को रोक के रखा है, आपके मैरिज शादी बाधा हुआ है और डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि कई कोई ऐसे इंसान जो एस्ट्रोलॉजर था या पंडित था या कोई ऐसे इंसान जिसके पास आप लोग गए थे ये सोच के आपके आपके पेरेंट्स होंगे या आप खुद अकेले कि यहाँ से सोल्यूशन मिल जाएगी, लेकिन वहाँ से सोल्यूशन तो आपको नहीं मिला लेकिन नेगेटिव एनर्जी मिल गए. हो सकते उनके अंदर ही वो था जो उसने उन्होंने आपके साथ जो भी आपके जो भी पूजा पाठ या जो भी हीलिंग वगैरह जो भी कर रहा था उस दौरान वो उन्होंने ट्रांसफर करा होगा, या हो सकता है कि ये इंसान के ये ऑलरेडी इसी चीजों को लेके चल रहा था, ये जानबूझ के आपको ट्रांसफर किया है ताकि आप उनके परमानेंट क्लाइंट बनो. बट डेफिनेटली वो वही तरीका की एनर्जी है एंड बहुत ही हेवी एनर्जी है आपके ब्लैक मैजिक के. और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपके लव लाइफ में एंड रिलेशनशिप में एंड मैरिज में कर रहे हैं, बाकी थोड़ा बहुत करियर और हेल्थ भी खराब कर रहे हैं. जो रिलेशनशिप आपके बनना था, बहुत पहले से ही रिलेशनशिप बहुत आगे था, उस रिलेशनशिप को जो है इन्होंने खराब किया है. अकॉर्डिंग टू कार्ड्स ये बहुत ही एक नेगेटिव और खराब एनर्जी दिख रहा है जिसे आपको इमीडिएट बेसिस में ठीक करना चाहिए क्योंकि ये अपने आप ठीक नहीं होगा, काफी भारी भरकम ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जीज है आपके पास, तो आपको इसे ठीक करना पड़ेगा. आपके एनर्जीज के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे में चलते हैं, देखते हैं कि बाकी लोगों का क्या है. आपके शायद कभी एंगेजमेंट हुआ था 2-3 साल पहले या 1.5 साल पहले या 2 महीना भी हो सकते हैं, मेरे सामने 2 और 3 नंबर्स आ रही है. तो 2 to 3 months पहले या 2 to 3 years पहले या 2 to 3 weeks पहले आपके एंगेजमेंट वगैरह हुए होंगे, लेकिन उस एंगेजमेंट में आपका एंगेजमेंट टिका नहीं होगा, उसकी रीजन यही ब्लैक मैजिक ही था. एंड हाँ, घर में भी आपके कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक या वुडू या नेगेटिव एनर्जी टोटका ईविल स्पिल किया गया. तो ये तो चल ही रहा है लास्ट 3 ईयर से आपके साथ, आपके घर में लोगों के साथ ये सब हो रहे हैं. आप जूते के शौकीन हो, आप काफ़ी सारे कई तरीका के जूता जो है आप अपने पास रखते हो एंड आप जो है आप घड़ी देख के काम करते हो, हर काम आपको पंक्चुअल हो बहुत ज़्यादा, हर काम आपको घड़ी देख के करना होता है. एंड मैं बोलूँगी कि आपको ट्रैवलिंग के भी शौकीन हो, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद करते हो. डेट ऑफ बर्थ आपके हो सकते हैं 4/22/31 and 13, 3/30/21 and 12, 1/10/19 and 28, 7/25 and 16 and 2 यही है आपके आपके डेट ऑफ बर्थ इसी में से ही होंगे. इस वक्त में आप ग्रीन, येलो,
या ब्राउन में कुछ पहने हो, ग्रीन येलो ब्राउन इसी कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हो, आप ईविल आई हटाने के लिए भी कुछ पहने हो, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं है। पिछले 4 सालों से आपके फैमिली में या आपके साथ कोई ना कोई मनी के इश्यूज, मनी रिलेटेड इश्यूज चल ही रहा है, काफी ज्यादा हो गया है, काफी ज्यादा चल रहा है। तो यही है आपके रीडिंग। नाउ दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन दैट you are basically going through some of the issues where I'm seeing that somebody, you went to someone for help, like for astrological help or for helping, they are the spiritual people, you know, to help you, you know, grow in your life, and there from there you got some kind of negative energy, and since then you are facing issues related to your relationships or and your career and many other things, and I'm seeing that it is most probably affecting your relationship, and it is happening since last 4 or more than 4 years, like 5 years. Since last before 5 years, you went to someone for help, astrological help or for spiritual help, so they can help you to get rid of some kind of situation. But from there, you got some kind of negative energy. Through that, you are not able to get whatever you wish or whatever you want. So there are some issues going on here, and definitely I'm seeing that you have someone in your life, and that person already put you in no contact situation. They are not communicating with you properly. They are your soulmate connection, and you are already suffering. And about your energy, your date of birth could be 4/22/31 and 13, 1/10/19 and 28, 2/20/11 and 29, and 3/30/21 and 12. So that could be your date of birth. You love fashionable shoes. You keep buying fashionable and branded shoes. There were an engagement or marriage happened almost two years, like before 2 years, there were something happened in your life, like marriage or engagement, and it just called off. Called off, the reason behind that was this negative energy or black magic which you got from some other person. And you are very particular about timings. You do everything, you know, picking up the timings, like okay, I have to do something in 10 o'clock, so you'll be doing at sharp 10, something like this. You are very, very punctual, and you are a traveler, like you like to travel. There are some negative energy in your house as well, and you are suffering. It is not only a suffering, like you are not only suffering in your relationship, even about money, you are suffering a lot. So there are black magic energies. Through somebody you got it, like you went to some of the astrologer or somewhere to, you know, heal yourself. So you got it from there. It's almost 5-6 years, and it happened before 4-5 or 6 years. And now I'm seeing slowly, gradually you are getting healed, but this is not going to be healed. Like this energies won't go so fast or quick. You need to take healing sessions from my channel, or you can take a personal healing session from me. That is all about this energy. Hopefully you liked my reading. If you liked my reading, please do subscribe my channel, like my video, and write below to my video. Quickly shuru karte hai reading. Jinhone choice kara tha bracelet, unke reading dekhte hai ki kya aati hai. Ye bracelet jinhone choice kara tha, maine bracelet yahan par rakh rahi hu, aur bracelet ki reading dekhte hai ki aapki reading abhi kya aate hai, ki kisne kiya hai, kab kiya hai, kaise hua hai, black magic wagera ye dekhenge. देखो, कोई ना कोई तो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट मैं कोई एनर्जी है, एंजेलिक एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, या आपके एंसेस्टर्स, बट डेफिनेटली आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक है, आपके ऊपर, आपके पेरेंट्स के ऊपर, फैमिली के ऊपर है.
एंड ये आपके फैमिली मेंबर्स में से ही किसी ने किया है, आपकी कोई फैमिली मेंबर है जिन्होंने किया है ये ब्लैक मैजिक, और डेफिनेटली आपके ऊपर है, आपके ऊपर भी है, आपके सारे पूरे के पूरे फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी है। एंड पिछले एक साल से तो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, लेकिन लास्ट 7-8 ईयर से ही आप लोग फैमिली में बहुत ज़्यादा सफरिंग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो। कोई ना कोई फैमिली मेंबर्स ने ही किया है एंड काफ़ी क्लोज कनेक्शन होंगे। क्लोज कनेक्शन मतलब उनके साथ आपके ऐसे कुछ कनेक्शन हो सकते हैं जहाँ पर मतलब आप उनके साथ बहुत जुड़े हुए हो, इस तरीका के कुछ ना कुछ क्लोज कनेक्शन हो सकते हैं उनके उनके उन्होंने किया होगा ब्लैक मैजिक। ऐसे कोई इंसान जो बहुत ज्यादा नेचर के साथ कनेक्टेड है एंड आप लोगों के घर में बार बार विजिट करते हैं और खाना पीना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, खाने पीने में ध्यान है, एवरेज बिल्ड के पर्सन होगा, तो वो इस तरीका के इंसान है जो आए कुछ दिन पहले भी, शायद 1 महीना पहले, 1 मंथ पहले या 2 मंथ्स पहले आपके घर विजिट करा था। ऐसे कोई इंसान, कोई लेडी है तो वो बेसिकली करा है, और उनको खाना पीना, वैराइटीज ऑफ कपड़ा पहनना, लग्जरी के बहुत शौकीन है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो भी उन्होंने किया है वो भी इसलिए किया है कि उसे आप लोगों के पास शायद 7-8 ईयर्स पहले आपके फैमिली में या आपके खुद के पास काफ़ी सारे प्रॉस्पेरिटी, काफ़ी सारे अबंडेंस ऐसे कुछ था, वो देख के उसे जेलसी हुआ, अंदर ही अंदर उसके देख के जेलसी हुआ, और उस जेलसी के आउट ऑफ जेलसी उन्होंने ऐसे किया है। एंड और उसके बाद जब आप लोगों के तकलीफ हुआ तो वो सेलिब्रेट भी किया है उस चीज़ों को। तो इस तरीका के इंसान है एंड आपके फैमिली मेंबर्स में से ही कोई है। तो यही है आपके रीडिंग, आपके आपको मैं आपके एनर्जी के बारे में बता देती हूँ। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 9/18/2011 and 29 and 5/23/14 and and 8/26/17 4/22/31/30। आप आपके कोई फ्रेंड है जिसे ये बात सारे शेयर करते हो, बट मैं बोलूंगी कि इमीडिएट बेसिस में स्टॉप करिए उसे शेयर करना, बिकॉज दैट पर्सन आल्सो जेलस अबाउट यू, ओके, दे आर आल्सो जेलस ऑफ वट एवर यू हैव, सो यू शुड नॉट शेयर विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। Stop sharing your feelings, stop sharing your things with that particular person. And definitely मैं आप लोगों को बोलूँगी कि ये जो ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी है ये अपने आप नहीं जाएगा। जितना जाना था लास्ट 1-3 ईयर्स में चला गया है, इससे ज़्यादा जो है ये नहीं जाएगा। जो भी आपके प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मुझे स्पेशली लग रहा है मनी मैटर में, फाइनेंशियल मैटर में एंड करियर के मैटर में आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपके घर में कोई हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो इसे छुटकारा पाने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से हीलिंग या प्रॉपर रिचुअल्स करना पड़ेगा, तब जाके आपको ठीक होंगे। हीलिंग के बाकी रिचुअल्स के बारे में मुझे नहीं पता है, मुझे मत पूछो, लेकिन हीलिंग के अगर रिचुअल्स करते हो तो हीलिंग आपको करना चाहिए। एंड मैं बोलूंगी कि हीलिंग आपको मिनिमम 21 सेशन स्पेशल पर्सनल हीलिंग लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीका के जो एनर्जी है ये नॉर्मल जो मेरा फ्री हीलिंग है वो भी अच्छा है, लेकिन उसमें जाएगा कि नहीं इसके गारंटी नहीं है। बट अगर आप अपने नाम से, क्योंकि वो हीलिंग नाम से नहीं है, अगर आप अपने नाम से आप सामने बैठ के हीलिंग लोगे तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम कट आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर लोगों के हेल्थ भी इन्वॉल्व है, आपके भी हेल्थ इन्वॉल्व है एंड स्पेशली फाइनेंस भी इन्वॉल्व है। तो आप देखो कि आपको आगे क्या करना है। इस वक्त में आप पिंक पीच या ब्लैक कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस, टॉप ऐसे कुछ पहने हुए हो। आप बुक्स के शौकीन हो, बुक्स पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। ट्रैवलिंग के शौकीन हो, खास करके आपको सी शोर वगैरह जाना पसंद है, जंगल में सफरी, जंगल सफरी में जाना बहुत पसंद है, ये मैं आपके बारे में देख रही हूँ। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो मुझे बताना। मुझे मेरे सामने कुछ नेम्स आ रही, जैसे आशा, चांदनी, सिमरन, शिरीन, ऐसे कुछ नेम्स आ रही है, मुझे बताना कि किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी फॉर देम इन इंग्लिश, बेसिकली दीज आर योर कार्ड्स, ओके, सो दीज आर योर कार्ड्स। आई थिंक देयर इज okay, I think there is another card inside this, yes, so these are your card and the card says you already have this black magic issues, okay, and there are your
relative, someone from your close friends group, your relative who has done negative things or black magic on you or spell on you. And basically that has lead you, that already lead you to some to a certain extent that you are not able to focus in your career, you always lose your money, and health wise also you are not doing good. But I would say that slowly, gradually it will go away, and thanks to some angel, because I'm seeing some of the energy is protecting you. And this is a human drama. Basically every human human, when they see someone growing, they do that, and it has happened out of jealousy. Definitely this person is from your relatives or your close friend group who was jealous, like who were jealous of on you, jealous of you because of something, something, maybe you had some abundance 7 years, 8 years back, and or you were very happy. So that person was jealous about you, about your things and everything what you got, and they did some kind of spell or voodoo, and it worked. Last 3 years you were suffering a lot. You were suffering respect to your finance and your health both. And I'm seeing some of the energies which is protecting you. It could be your ancestors, it could be your grandparents, it could be your any kind of things, but it is definitely helping you out and trying to make your path okay. But how much they will do that, you have to get rid of this energy, because this is a bad energy. Somebody who is sitting close to you and putting their hands on your heads and whispering and talking to you so close, and they have done that, I'm seeing that, okay. And I would tell you that with this energy, you won't be able to fulfill your dreams. It's very difficult to find a dream first. And when you find a dream, you need to embrace that dream, but you won't be able to do that until these things are there with you. And you won't be able to start a new relationship. Or lately in offspring, you may be able to start a relationship, but you won't get a commitment or permanent love in this relationship because of this energies, these bad energies, okay. So I would suggest you to remove this energy. And how can you remove these energies? You just have to restrict yourself from meeting this type of jealous person. And the same thing is, you have to do healing. When you will start doing healing sessions, slowly, gradually, your stuck energy, your trapped energies, those dissatisfaction you feeling inside, those circumstances, everything will change, okay. So current situation is like, you are feeling restricted, stuck and trapped by some situation, which could be a financial situation or a health situation, and feeling dissatisfied within the circumstances. And then you are self-inflicted it with the bad habits, and under some addiction. Could be a unhealthy relationship, you could be in a unhealthy relationship. This all things will slowly gradually go away when you will be determined to do your healing session. Please take personal healing session and stop these things immediate basis. We'll talk about your energy. Your energies are your date of birth, okay. Your date of birth would be 3/30/21 and 12, and 2/20/11 and 29, 6/24 and 15, 9/18 and 27, 4/22/31 and 13. That could be your date of birth. I just in this reading now, and I'll ask you guys to please do subscribe my channel, like my video, right below to my video, so you can win this kind of bracelet. This is a relationship miraculous bracelet. You can win this bracelet if you subscribe my channel and like my video and right below to the community tab for a long time. Now rest those who choose heart last but not the least. Jo heart choice kiya tha jinhone, unke reading dekhenge ki kya aati hai, किसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, कब किया है, कैसे हुई है. देखो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं है, कुछ कार्मिक दोष हो सकते हैं,
मुझे लग रहा है ये कार्मिक दोष ही है, जो कुछ कार्मिक दोष है जो बहुत जल्द कट जाएंगे, मतलब नेक्स्ट मैंने ना हाफ इयर्स के अंदर थिंग्स विल चेंज एंड यू विल बी इवेंचुअली गेट रिड ऑफ दिस। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आपके ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक के चीजें है, कुछ भी ब्लैक मैजिक का कार्ड्स नहीं आ रहे है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुई है। मुझे लगता है कार्मिक इश्यूज है, आपके फर्स्ट कार्ड ही कह दिया है कि ये कार्मिक इश्यूज है, ब्लैक मैजिक इसमें नहीं है। ठीक है, तो आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक के असर नहीं है, कार्मिक इश्यूज है। जो भी कर्मा के इश्यूज है वो आप कार्मिक कॉर्ड कटिंग के हीलिंग के वीडियो है चैनल में, उसे देख के अपने आप को ठीक कर सकते हो एंड थिंग्स विल बी फाइन। देयर आर नो ब्लैक मैजिक, वट एवर इट इज अफेक्टिंग योर करियर, योर रिलेशनशिप, इट विल गो अवे आफ्टर 1.5 ईयर्स, 1 ईयर, 3 months, 4 months, आफ्टर दैट यू विल सी द क्लियर एनर्जी एंड यू विल फील दैट क्लियर एनर्जी। तो अब भी बस 1 1.5 ईयर्स के टाइम है, उसके बीच में जो है आपके कर्मा के दो जो दोष है वो कट जाएंगे, और उसके बाद जो है आपके टाइम काफी अच्छा है। वेदर आप रिलेशनशिप में किसी से शादी करना चाह रहे हो या रिलेशनशिप में सफर कर रहे हो, वहां पर रियूनियन हो जाएगा। वेदर आप किसी के साथ मतलब कोई करियर में कुछ करना चाहते हो वो भी ठीक हो जाएंगे। इट इज ऑल अबाउट कार्मिक दोष, पास्ट लाइफ के कार्मिक दोष, इस लाइफ के कर्मा के दोष, ये सारी चीजों का प्रॉब्लम चल रहा है ना। और आपके एनर्जी के बारे में एंड में बताएंगे, उससे पहले कुछ देर के लिए मुझे इंग्लिश में बताने दो। तो बेसिकली व्हाट आई एम सीइंग दैट यू हैव दिस प्रॉब्लम फ्रॉम पास्ट लाइफ, ओके, द रिलेशनशिप प्रॉब्लम एंड अदर प्रॉब्लम, एवरीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम इज अबाउट पास्ट लाइफ। You are recirculated from the past, so that is one thing. Like you got a second chance, and you are reborn or recirculated from the past or from the ashes. And the area of life, some area of life, you are stuck at present. But there is a says called second bite of the cherry, so you will get a second chance. Only thing is, you need to hold this second chance, and this second chance will happen after 1.5 years. So everything will be fine. You just have to keep little patience, and if you want to heal in between, you can take a karmic cord cutting healing sessions, which is there on my channel. It's a free session. Even you can book a personal sessions. You will see that everything would be slowly, gradually, everything is becoming all right. Okay, so there, your problem is not, you got no problem about, all about your problem is karmic dosh, not a black magic or any other energies. So slowly, gradually, you will get everything. You just have to keep patience for next 1.5 years. And that is all about your energy. And I will say your date of birth. Your date of birth would be 5/23 and 14, 4/22/31 and 13, 8/26 and 17, 6/24 and 15, 3/30/21 and 12. This could be your date of birth. And your name's first or last letter of the name could be S, D, A, E, R, O, F, C, I, N. So that could be your first or last letter of the name. Whatever is happening in your life, that is because of your past life karma or this life karma. But there could be a magic which can take place, but it will take some time. And skillfully and creatively, you have to handle everything. Okay, you are very skillful and creative person. You can handle everything and get career success, but it will take some time. That is all about this energy. Hopefully you like my video. If you like my video, please write below to my video and like my video and give a like to my YouTube channel, and also write below to the community page post. Thank you guys, have a blessed day, and God bless you.